गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स एरा 2020। बच्चा हम लोगों ने किस पे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर, आप लोगों का जो बेस्ट लेक्चर हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स, वो हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन इवेंट पे डिस्कस हुआ था। यू नो दैट फ्लावरिंग प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे कंडक्ट होता है, हमने आपको डिस्कवरीज भी बताई। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस हुआ, तो आपको याद होगा बेटा कि जब वहाँ पे हमने बताया था आपको, याद रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट में जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन आप जानते हो फाइनली कहाँ पे होता है, आप बताओ, आप जानते हो फर्टिलाइजेशन फ्लावर में कहाँ होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है, सब बोल गए, ओव्यूल के अंदर होता है। ओके, तो ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था। ओके, अब आप देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जो इवेंट आएगा, हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं आज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट आप जानते हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। बेटा बात ये आती है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर में क्या चेंजेस आएंगे, तो फ्लावर जो चेंज शो करेगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे जो डिस्कस होने वाला है आज, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो चुका था, तो सबसे पहले याद रखिएगा जैसे ही फ्लावर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाएगा, एट वंस वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि फ्लावर में कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे बेटा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे चेंजेस जो होंगे, आप देखिए इंटरनल जो चेंजेस आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, आप देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होगा, मतलब जो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में PEN बना था, क्या बना था बेटा, PEN बना था, याद रखिएगा वो PEN क्या होगा, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ओके, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो जो आपका यहाँ पे जाइगोट बना था, जाइगोट ये एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, देन यहाँ पे जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, और जो आपकी ये ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगी बेटा, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ओके बेटा देखिए, आप लोगों को अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, उस चेंज के बाद फ्लावर में जो चेंज आएगा, फ्लावर का जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी हमने कहा कि वन बाई वन आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा हम जब फ्लावर देखोगे फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आप देखोगे कि जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, अननेसेसरी चीज़ें, स्टिग्मा हैं, स्टाइल हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा, फॉल्स ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन आपको कुछ एग्जांपल पूछेगा, ऐसे प्लांट का एग्जांपल आप बताइए जिनके फ्रूट्स में आपको सेपल्स या पेटल्स देखने को मिलते हों। तो हम आपको एक्सेप्शनल केस बता दें, कुछ बेटा ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स में सेपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एग्जांपल का असर क्या है, एग्जांपल आपको हम बताएं तो आप देखोगे ब्रिंजल, आप देखो ब्रिंजल, आप देखोगे तो ब्रिंजल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे सेपल्स अटैच रहते हैं। आपने ब्रिंजल का फ्रूट देखा होगा, उसमें देखिए नीचे ऐसे ऐसे बीच में रहता था वो ब्रिंजल रहता ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये इनके सेपल्स होते हैं जो फ्रूट बनने के बाद भी फॉल ऑफ नहीं होते, फ्रूट से अटैच होते हैं। टोमेटो आप देखोगे, टोमेटो में भी आपको दिख जाएगा। ओके, एंट आपके NCERT में आप देखिएगा, CBSE बोर्ड में या ISC बोर्ड आप पढ़ रहे हो तो उसमें देखिएगा बुक में अपने, आपको ट्रैपा भी पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रैपा में क्या होता है, ट्रैपा मतलब होता है बेटा सिंघाड़ा आप जानते हो, तो ट्रैपा में देखोगे जो उसके कांटे होते हैं, जो नुकीले नुकीले कांटे होते हैं ना, वो सेपल्स होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, वो सेपल्स होते हैं, सेपल्स मॉडिफाइड इंटू स्पाइन्स,
तो ये कभी कभी मॉडिफिकेशन में भी क्वेश्चन आता है कि ट्रैपा के जो स्पाइंस हैं वो किस चीज़ के मॉडिफिकेशंस हैं। तो ट्रैपा के स्पाइन जो हैं सेपल के मॉडिफिकेशन होते हैं। ओके, बट आइए हम लोग डिस्कस क्या करें, ये तो बात हो गई बेटा। यहाँ पे अब हमें मालूम है कि हमारा जो इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का वो कहाँ चलना है बेटा, फ्लावर के अंदर चलना है। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पे। आप हेडिंग लिख लें तुरंत, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। देखिए आप देखोगे एक क्वेश्चन मोस्ट फेमस आपके यहाँ है, पूछा जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट डज नॉट इमीडिएटली डिवाइड, इट इनिशिएट देयर डिवीजन आफ्टर सम अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर है, वो पूछ रहा है आपसे कि थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाने के बाद ही जायगोट क्यों डिवाइड होता है। तो रीज़न याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जायगोट के डिवीजन को नरिशमेंट चाहिए। क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट कौन देने वाला है? वो नरिशमेंट देने वाला है एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले किसको डिवीजन होना होगा? एंडोस्पर्म का डिवीजन स्टार्ट होगा, तब जाके एम्ब्रियो बनेगा। तो आइए हम बात करते हैं एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, क्या तरीके हैं। याद रखिएगा बेटा कि जो डेवलपमेंट होना है किसका? एंडोस्पर्म का। कैसे होगा? तो आप जानते हो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन एक इवेंट हुआ था, आपको याद होगा। ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट था वो क्या था? PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। ये जो PEN एम्ब्रियो सैक का है, ये PEN डेवलप होगा थ्रू माइटोसिस। आप जानते हो यहाँ माइटोसिस होना है, मियोसिस कहीं होना ही नहीं है यहाँ पे बेटा। और ये क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? हाँ बेटा देखो, एंडोस्पर्म का क्या अब आपको रोल जानना है। ओके, तो आप देखोगे एंडोस्पर्म का प्राइमरी रोल नरिशमेंट प्रोवाइड करना, अभी भी हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था। तो अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या एक तरीके से होगा, क्या अलग अलग प्लांटों में डिफरेंट तरीके से होगा, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है बेटा, यदि आप नीट लेवल पे जानना चाहेंगे, CBSE में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ टाइप दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एंडोस्पर्म आपका जो है वो तीन टाइप से डेवलप हो सकता है। कितने टाइप से बेटा? थ्री टाइप से। ओके, तो जो आपका पहला टाइप यहाँ आपको दिखेगा वो क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म याद रखिएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेन आपका जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। डाइकॉट मोनोकॉट मोस्ट ऑफ प्लांट में बेटा मोस्टली यही पाया जाता है। ओके, कौन सा पाया जाता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, याद रखिएगा। नियर अबाउट हम परसेंट में यदि बात करें तो 56% आपका न्यूक्लियर ही पाया जाता है। ओके, हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं, सेकेंड नंबर आपका है सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। बेटा देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो नियर अबाउट 25% पाया जाता है प्लांटों में, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो है आपका वो हिलोबियल है, हिलोबियल एंडोस्पर्म। ये क्या है हिलोबियल? आप देखोगे ये स्पेशली बेटा हिलोबियल्स एक फैमिली है मोनोकॉट की, उसमें दिखेगा। आइए तीनों के विषय में समझते हैं, ये एग्जांपल हम लोग जानते हैं, इन तीनों में क्या एग्जांपल आपको जानने हैं। इन बेटा तीनों में एग्जांपल के साथ आप देखोगे तो क्या आपको दिखेगा, देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आप क्या देखोगे? आप देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म बना हुआ है, ये PEN वाला, यहाँ से बीच में एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये एंडोस्पर्म क्या है, इसका न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोटिक डिवीजन करेगा, तेजी से डिवाइड होगा। ओके, ढेर सारे एंडोस्पर्म बना देगा, यहाँ पे क्या बना देगा? ढेर सारे न्यूक्लियस बना देगा, सॉरी यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा याद रखिएगा,
न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और एंडोस्पर्म में ढेर सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जैसे बेटा ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे देन सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ढेर सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, आप देखोगे जो साइड में सेल्स हैं, सबसे पहले वहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। ये देखिए, समवॉट हो सकता है धीरे धीरे जो बीच में भी हैं यहाँ भी सेल बन जाए और सब सेल्स बन के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देंगी। ओके, बट लेकिन बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि सभी न्यूक्लियस सेल का फॉर्मेशन कर ही दें। आपके एनसीईआरटी सीबीएसई में बेस्ट एग्जांपल जो इसका लिया गया है, यही एक ही एग्जांपल आपने दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ आप देखोगे, इसका दिया है बेटा कोकोनट। अब हम कोकोनट की बात कर लें, उसको किस तरह से आप समझोगे, आइए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग एक मिनट। कोकोनट पे आप देखोगे बेटा, तो कोकोनट में क्या होता है, हम किसके एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, यहाँ कोकोनट का एग्जांपल ले रहे हैं। आप कोकोनट को देखोगे तो कोकोनट में ढेर सारा न्यूक्लियस पहले बनेगा एंडोस्पर्म में। ओके, साइड वाला जो कर्नल व्हाइट वाला पार्ट आप खाते हो वो सेलुलर एंडोस्पर्म देखिए हो जाएगा, इस तरह से सेल्स बन जाएंगे इसमें। और सेंटर के बेटा जो न्यूक्लियाई होंगे ये एज अ लिक्विड फॉर्म रहेंगे। कैसे रहेंगे, एज अ लिक्विड फॉर्म रहेंगे ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, याद रखिएगा। तो सेंट्रल न्यूक्लियाई आपके लिक्विड हो गए, तो ये कर्नल जो कोकोनट का है, कर्नल ये सेलुलर फॉर्मेट में हो गया, सेल्स बना लिया है याद रखिएगा। और जो सेंटर में है ये न्यूक्लियर हो गया, ये आपका जो लिक्विड पार्ट कोकोनट मिल्क आप देखते हो वो न्यूक्लियर होगा, ठीक है। ये क्या है, कोकोनट मिल्क आप जो देखते हो, कोकोनट मिल्क। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपने देखा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, और न्यूक्लियस बनने के बाद आप देखोगे वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, देन सेल्स का फॉर्मेशन दिखेगा। ओके, बेस्ट एग्जांपल में का कोकोनट है, मैंगो है, या अदर प्लांटों में आप व्हीट है, इन सब में देखोगे ये कंटिन्यू आपको दिखता रहेगा। ओके, तो अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका हो गया बेटा, कोकोनट व्हीट मैंगो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में। आप सेलुलर पे देखो क्या होगा, सेलुलर पे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ नज़र आएगा एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट होगा। देखिए एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल बन गया, देन डिवाइड हुआ, सेल बन गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, सेल बनता जाएगा। एग्जांपल की हम बात करें तो आप धतूरा देखोगे, धतूरा में दिख जाएगा आपको ये ब्लासम का प्लांट होता है बेटा, ब्लासम में ये आपको नज़र आ जाएगा, याद रखिएगा। ओके, क्या सेलुलर एंडोस्पर्म किस तरह से बनते हैं। अब थर्ड नंबर पर बात आती है बेटा किसकी, हिलोबियल की हम बात कर लेते हैं। हिलोबियल में क्या आपको दिखेगा ये देखते हैं। हिलोबियल में आप देखोगे यहाँ पे जो सेल्स होगा इसमें पहला डिवीज़न अनइक्वल होगा, एक स्मॉल सेल बनेगा, एक लार्ज सेल बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो स्मॉल सेल बनेगा बेटा ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, ये चैलेंजा की तरफ होगा। ये जो लार्ज सेल है ये न्यूक्लियर डिवीज़न को फॉर्मेट को फॉलो करेगा, याद रखिएगा, और जो स्मॉल सेल है ये सेलुलर को फॉर्मेट को फॉलो करेगा। यहाँ सेल्स बनते जाएंगे, यहाँ पहले न्यूक्लियाई बनेंगी, देन सेल्स का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। बात समझ में आई या नहीं, यहाँ मतलब हिलोबियल जो है, अभी भी हमने कहा था इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हिलोबियल्स, हिलोबियल्स क्या है, मोनोकॉट की फैमिली है बेटा, याद रखिएगा। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, हिलोबियल्स का जो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का था वो कैसा है, इसका एक सेल सेलुलर फॉर्मेट को फॉलो करेगा और एक सेल न्यूक्लियर डिवीज़न को फॉलो करेगा। ओके, तो ये बात किसकी हो गई, ये बात एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की हो गई बेटा। कोकोनट बेस्ट एग्जांपल था, कर्नल इसका याद रखिएगा, हमने कहा था न्यूक्लियर पार्ट याद रखिए, कोकोनट का जो भी बताया गया था आपको,
सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का। ओके बेटा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। पहला इवेंट कंप्लीट हो गया हमारा। क्या इवेंट था पहला? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो सेकेंड इवेंट की हम बात करते हैं बेटा। देखिए, सेकेंड इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो कहाँ से आया? आप जानते हैं बेटा, जाइगोट हमारा जो बनता है वो डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो एम्ब्रियो कैसे आपका बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा, हमें ये डिस्कस करना है। तुरंत डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन में दिखे आ रहा होगा बेटा, हमने स्ट्रक्चर बना के रखा टाइम बचाने के लिए आपका। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट डाइकॉट एम्ब्रियो। देखिए, हम लोग सबसे पहले किस में बात करेंगे? डाइकॉट एम्ब्रियो पे बात करेंगे। डाइकॉट प्लांट पे कैसे डिस्कस मतलब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो यू नो दैट, आपको हमने बताया था कि डाइगोट का डेवलपमेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बनने के बाद इनिशिएट होता है। क्यों? रीज़न बता दिया गया था, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर देयर डेवलपमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट अंडरगोस ट्रांसवर्स डिवीजन। सबसे पहला डिवीजन क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स डिवीजन। बट बेटा, इट इज़ अनइक्वल डिवीजन। इट मेक लार्जर सेल एंड वन स्मॉलर सेल। याद रखिएगा, जो लार्जर सेल है अपर एरिया में माइक्रोपाइल एरिया है, याद रखिएगा। कौन सा एरिया? माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल मतलब किसका? ओव्यूल की बात हो रही है। और लोअर एरिया में जो हमने लिया वो चैलजल एंड लिया है। तो लोअर एरिया चैलजल एंड का होगा, अपर एरिया माइक्रोपाइल एरिया होगा। ओके, तो ये सस्पेंसर सेल, लार्ज सेल सस्पेंसर सेल होता है जो माइक्रोपाइलर एंड पे अटैच रहता है। और टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल देखिए बन रहा है, स्मॉलर सेल होता है बेटा। सस्पेंसर सेल फर्स्ट ऑफ ऑल तेजी से डिवाइड होता है। इसका एडवांटेज भी है कि ये जब तेजी से डिवाइड होगा तो जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल है वो थोड़ा सा चैलजा की तरफ शिफ्ट होगा। और आप जानते हो सेंटर की तरफ क्या होता है, चैलजा की तरफ एंडोस्पर्म होता है। तो थोड़ा सा उसके नज़दीक पहुंच जाएगा, डेवलपमेंट में आसानी होगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या बन गया, सस्पेंसर सेल आपका आ गया। ये फिर से डिवाइड होगा, सस्पेंसर सेल एक हस्टोरियल सेल बनाएगा। लार्ज सेल है, हस्टोरिया यू नो दैट नरिशमेंट को एब्जर्व करने वाला। तो ये माइक्रोपाइलर एरिया से भी नरिशमेंट लेता रहेगा और डेवलपिंग एम्ब्रियो को हमारे नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। दूसरे बीच में देखिए, फर्रो वर्टिकल फर्रो ऑफ सेल्स बनेंगे, ट्रांसवर्स वर्टिकल डिवीजन दोनों होगा यहाँ पे, जो सस्पेंसर बना देंगे। बाद में ये चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, याद रखिएगा बेटा। एंड देन एम्ब्रियोनल सेल बिकम डिवाइडेड। एम्ब्रियोनल सेल में सबसे पहला डिवीजन आपसे पूछा जाएगा कौन सा होगा, तो याद रखिएगा एम्ब्रियोनल सेल में पहला डिवीजन वर्टिकल डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, याद रखिएगा। ये दो सेल पे डिवाइड हो जाएगा। एंड देन इसका डिवीजन हो चुका है बेटा, याद रखिएगा। अब एम्ब्रियो की हम सिर्फ बात करेंगे। एम्ब्रियोनल सेल में फिर देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, फोर सेल हो गया बेटा। देन ऑक्टेट स्टेज आएगा, सर्कुलर डिवीजन हो जाएगा, एक पेरिफेरल एरिया बनेगा, एक सेंट्रल एरिया बनेगा, ऑक्टेट सेल्स हो जाएंगी। एंड देन कंटिन्यू ये वर्टिकल ट्रांसवर्स डिवीजन चलता रहेगा, जिसकी वजह से सबसे पहले आपको ग्लोबुलर एम्ब्रियो मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो प्रो एम्ब्रियो डाइकॉट का या मोनोकॉट का है वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, जो प्रो एम्ब्रियो है या प्रो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, नियर अबाउट सेम होता है, याद रखिएगा। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपका क्या एम्ब्रियो बेटा? प्रो एम्ब्रियो के नाम से फेमस है। प्रो एम्ब्रियो कैसा दिखता है? तो प्रो एम्ब्रियो आप देखिए कैसा दिखता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो दिखता है। तो प्रो एम्ब्रियो में सबसे पहले जो सस्पेंसर के नज़दीक सेल होगा बेटा, वो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, हाइपोबेसल सेल आप बोल सकते हो। तो ये हाइपोफाइसिस जो सेल होगी, एक सेल होती है यहाँ पे, ये सेल डिवाइड होकर रेडिकल का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे? सस्पेंसर की तरफ। यहाँ ध्यान से देखिए, डिवीजन हो रहा है। और टिप पे जस्ट अपोजिट, यहाँ टिप पे जो है एपिबेसल सेल होते हैं, ईपी हाइपोफाइसिस होते हैं। तो ईपी वेसल सेल जो होते हैं ये प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करने लगते हैं, और इनके बोथ साइड के सेल्स एम्ब्रियोनल सेल्स ये इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा। ओके, जब ये दोनों इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो ये कॉटलीडन का फॉर्मेशन होने लगेगा, सी का फॉर्मेशन कॉटलीडन का। और जब ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएंगे बेटा, तो ये शेप हार्ड शेप, समवॉट हार्ड शेप दिखेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि जब मैच्योर होता हुआ एम्ब्रियो होता है वो किस शेप का दिखता है? तो जो आपका मैच्योरेशन के लिए एम्ब्रियो रेडी है वो आपका हार्ट शेप नज़र आता है। ओके, देन ये कॉटलीडन बेटा इनलार्ज हो जाएगा और आपको मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो बनाने के लिए स्ट्रक्चर आएगा। तो याद रखिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये मैच्योर डाइकॉट है। यहाँ पे देखिए, माइक्रोपाइल सस्पेंसर एरिया रिड्यूज हो गया है, रूट कैप आ गया, यहाँ रेडिकल का एरिया है, याद रखिएगा ये रेडिकल का एरिया है।
रेडिकल इन फ्यूचर आप जानते हैं रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल के एरिया जो इम्ब्रियो का एरिया होता है इसे हाइपोकोटल एरिया कहते हैं, याद रखिएगा। हाइपोकोटल मतलब कॉटिलेडन के जस्ट नीचे का एरिया जहाँ से अराइज हो रहा है, यहाँ पे आप सपोज करो या अराइज हो रहा है तो अराइज, ये नीचे का जो बेल्ट हो गया आपका, ये पूरा बेल्ट हो गया, ये हाइपोकोटल का बेल्ट है, ये एरिया एपिकोटल है जहाँ कॉटिलेडन अटैच होता है। तो कॉटिलेडन देखिए यहाँ पे दो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में देखिए प्लीम्यूल आपको दिख रहा होगा बेटा। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है डाइकॉट इम्ब्रियो का। अब हम बात करेंगे बेटा मोनोकॉट इम्ब्रियो पे भी तुरंत। तो डाइकॉट इम्ब्रियो आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। अब हम मोनोकॉट पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, मोनोकॉट के इम्ब्रियो में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बेटा। आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो की डिस्कस कर रहे थे हम लोग, अब किसकी बात हो जाए, थोड़ा मोनोकॉट पे डिस्कस करते हैं बेटा। डाइकॉट आपने देखा, मोनोकॉट भी लमसम बेटा डेवलपमेंट नियर अबाउट सेम आपको दिखेगा, कुछ चेंजेस यहाँ आपको नज़र आएंगे, उसी चेंज को हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है, देखना है, ओके। और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या यहाँ से स्ट्रक्चर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, नीट में कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको आप 17, 18, 19 का पेपर चेक करिएगा नीट का, आपको स्कटलम का क्वेश्चन लगातार दिख जाएगा और मोनोकॉट सीट का लगातार दिख जाएगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए यहाँ पे जाइगोट आप देखोगे, यहाँ इसका जाइगोट सबसे पहले बेटा अनइक्वल डिवीजन, वही जैसा आपने पहले देखा था, सस्पेंसर सेल एंड इम्ब्रियोनल सेल फॉर्मेशन करेगा जस्ट लाइक है, बट यहाँ बेटा जो इम्ब्रियोनल सेल है जो पहला वहाँ आपने देखा वर्टिकल डिवीजन होगा डाइकॉट में, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रांसवर्स डिवीजन ही होगा, ओके। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो एक मिडिल सेल बनेगा, एक टर्मिनल सेल बनेगा बेटा, और सस्पेंसर सस्पेंसर ही रहेगा, लेटर ऑन सस्पेंसर ही हस्टोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। हम बात कर लेते हैं जो आपका ये मिडिल सेल और टर्मिनल सेल, इनका फ्यूचर क्या है। मिडिल सेल लेटर ऑन ये डेवलप होगा, हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन करेगा, और हाइपोफाइसिस का फ्यूचर आप जानते हो, हाइपोफाइसिस का एरिया रेडिकल के एरिया का फॉर्मेशन करेगा हम कह लें। तो हमारा जो मिडिल सेल है ये हाइपोफाइसिस मतलब रेडिकल रूट कैप का फॉर्मेशन करने वाला है, ओके। टर्मिनल सेल की बात करते हैं, जो हमारा टर्मिनल सेल है लेटर ऑन बेटा ये डिवाइड होगा तेजी से, और ये प्लीम्यूल और कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देखो कि इनिशियल फेज का डेवलपमेंट, ये जो प्रेम आपका प्रो इम्ब्रियो दिख रहा है, ये प्रो इम्ब्रियो अभी याद रखिएगा, प्रो इम्ब्रियो ग्लोबुलर यहाँ भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा डाइकॉट मोनोकॉट का जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसका कौन सा स्टेज कहाँ तक का स्टेज कॉमन है या सेम दिखता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रो इम्ब्रियो तक का स्टेज नियर अबाउट सेम नज़र आता है, ओके। बट ये डेवलपमेंट में थोड़ी सी चेंजेस हैं, डिवीजन में थोड़े चेंजेस हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ देखिए प्लीम्यूल जहाँ पे है, यहाँ टर्मिनल सेल पे प्लीम्यूल नहीं बना है, साइड में प्लीम्यूल का डेवलपमेंट होता है और यहाँ रेडिकल का डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा। तो आप देखोगे कि इनका एक कॉटिलेडन यहाँ भी देखिए ये तेज़ी से बढ़ता है और सिंगल कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करता है जिसे आप स्कटलम कहते हो। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, स्कटलम किसे रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा स्कटलम इनके सिंगल कॉटिलेडन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, इनका दूसरा कॉटिलेडन कहाँ है, क्यों नहीं डेवलप हुआ, तो ईपी ब्लास्ट आप देखो, जो ईपी ब्लास्ट है बेटा ये इनका दूसरा कॉटिलेडन है जो रिड्यूस हो गया है, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्लीम्यूल का एरिया आप देख रहे होंगे बेटा, प्लीम्यूल प्रिमोर्डियल सेल कंटेन करता है, यहाँ पे कहीं आप देखो सूट सिस्टम भी लिखा होगा, प्रिमोर्डिया ऑफ सूट लिखा होगा, बातें सही हैं क्योंकि यहाँ पे प्लीम्यूल का एरिया आपको देखने को मिलेगा, ओके। आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखेगा, प्लीम्यूल का अपर एरिया जो कवर्ड है प्रोटेक्टिव लेयर का बनाता है उसे कोलियोप्टाइल कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है आपके यहाँ प्लीम्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, तो प्लीम्यूल का अपर एरिया जो प्रोटेक्शन करता है उसे आप क्या कहोगे, कोलियोप्टाइल कहोगे। लोअर एरिया में आते हैं, लोअर एरिया में वो दिखेगा रूट रेडिकल का एरिया, तो रेडिकल के एरिया में आप देखोगे बेटा तो रेडिकल में रूट कैप होगा और इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है कोलियोराइजा कहा जाएगा, ओके। ये जो आपका एम्ब्रियो सामने आपके दिख रहा है बेटा बना हुआ, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है या मोस्ट कॉमन ग्रास एम्ब्रियो बोलते हैं, ग्रास आप जानते हो मोनोकॉट होता है।
और आपके CBSE बोर्ड मेटा मोस्टली ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो इसे ज़रूर याद करिएगा। लेबल भी आ सकता है इसका, ओके। आप मेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दोनों की स्टडी करिएगा। कोई डाउट हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन फिजिक्स एरा 2020।